गाइस आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के मशीनरी टूल्स के एक स्पेशल प्रकार के मशीन के, जिसे हम एलजेसियोमीटर बोलते हैं या टेल्क फ्लिक के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअली में ये मशीन कहाँ यूज की जाती है, इसका क्या वर्क है और ये कैसे काम करती है, ये सारा चीज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपका नाम देखिए यहाँ पर लिखा भी है, एनर्जेसियोमीटर या टेल्क फ्लिक के नाम से जाना जाता है। और ये जनरली हमारे जो भी ये जनरली फार्माकोलॉजी जो होती है, फार्मेसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, उसी के आपके प्रैक्टिकल में ये जनरली यूज किया जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो एनर्जेसियोमीटर जो होता है जनरली ये उस जो भी प्रैक्टिकल में, जैसे कि रैट हुआ या माइस हुआ, वो उसके दर्द को, जैसे कोई आपका सेंट्रल नर्वस या कोई आप स्टिमुलेशन की तरह आप पेन किलर का दवा मान लीजिए उसको इंजेक्ट कर दिए, तो इंजेक्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि इसके अंदर कितनी एनर्जेसिया, मतलब कितनी उसको दर्द प्रोड्यूस हो रहा है। ये मशीन वही हमें नापती है। मतलब कि देखिए एनर्जेसियोमीटर का मतलब कि आपके दर्द नहीं, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे कि रैट या माइस भी हुआ, उस पर जो आप वर्क कर रहे हैं उसको स्टिमुलेशन के रूप में, जैसे कि मॉर्फिन हुआ, तो मॉर्फिन एक पेन किलर है, तो ये ड्रग्स है, उसे इंजेक्ट कराए तो आप तो वैसे नहीं पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जीव है ना, आप वैसे उसको बता नहीं सकते हैं। तो ये मशीन वही उसके दर्द को ये बताती है, तो उसको दर्द को, जैसे कि लगा देने के बाद मॉर्फिन, जैसे मान लीजिए आप लगा दिए कोई ऐसा ड्रग जो पेन किलर हो उसको लगा दिए, तो लगा देने के बाद आप इस चूहे को यहाँ पे रख देंगे, इससे तार के माध्यम से यहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ये कनेक्टेड होता है। और ये रखने के बाद ये आप यहाँ पे कुछ मशीन दिया है, देखिए यहाँ पे करंट एडजस्ट है, इसको आप करंट आपको एडजस्ट करना है इस मीटर की सहायता से, जैसे कि आपको ज़्यादा करंट कैसे करंट कितनी कम देना है वो उसके अनुसार आप यहाँ पे कम बेसी कर लेंगे। और ये आपका एम्पियर मीटर है, जो आप करंट ऐसे बढ़ाएंगे ना तो ये करंट आपको बताता रहेगा कितनी एम्पियर कितनी करंट ये जा रहा है, तो ये एम्पियर मीटर बोलते हैं। ये मेन स्विच है, इसके थ्रू आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यहाँ ऊपर नीचे ऐसे करके ना। और ये हमारा जनरली यहाँ से प्लग है, और ये प्लग यहाँ पे आप ऑन करेंगे ऐसे तो ये स्विच चालू हो जाएगा मशीन ना, तो ये पीछे से चालू हो जाएगा। और कुछ यहाँ से देखिए पीछे से आपका दिया है, ये मेन स्विच है, यहाँ से आपका प्लग सही से लगा होगा या लगा सकते हैं, देखिए पीछे से है? और कुछ नहीं होता है, और इसे एक फिट होता है जिसमें आपको जो भी चीज़ आपको करना है यहाँ पे इसमें रख सकते हैं, और रख कर ये आपका एम्पियर मीटर आपको बता सकता है जैसे के माध्यम से उसको कितना दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही इसे ये इसको जनरली फार्माकोलॉजी वाले चैप्टर में यूज किया जाता है, तो ये ऐसा मशीन है देखिए। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटल के बारे में। तो बाय, चलते हैं।